अगली खबर गुना से है, जहां चांचौड़ा और राघोगढ़ के दो गांव, यहां की जमीन शराब उगलती है। दरअसल अवैध शराब बनाने वाले ने यहां 7 फीट गहरे गड्ढों में टंकियां गाड़ रखी हैं। गुना के चांचौड़ा और राघोगढ़ के दो गांव, यहां की जमीन कच्ची शराब उगलती है। दरअसल अवैध शराब बनाने वालों ने यहां 7 फीट गहरे गड्ढों में टंकियां रखी हैं, ऊपर हैंडपंप लगाए हैं, इनसे शराब निकलते हैं। ये शराब पॉली बैग में भर कर बेचते हैं। पुलिस ने सोमवार को अवैध शराब के 2 ठिकानों पर छापा मारा। इस दौरान हजारों लीटर कच्ची शराब जब्त की गई। हालांकि आरोपी भाग निकले, पुलिस ने 8 आरोपियों की पहचान कर ली है। 2 थानों में 8 केस दर्ज किए गए हैं। चांचौड़ा इलाके का भानपुरा गांव, यहां अधिकतर कंजर समुदाय के लोग रहते हैं। गांव का लगभग हर परिवार कच्ची शराब बनाने का काम करता है। इन्होंने जगह जगह कच्ची शराब की भट्टियां लगा रखी हैं। इसी तरह राघोगढ़ इलाके का साकोन्या गांव, यहां भी बड़ी मात्रा में कच्ची शराब बनाई जाती है। ये दोनों गांव जंगली इलाके में हैं, इसलिए यह जगह कच्ची शराब बनाने के लिए मुख्य केंद्र बनी हुई है। जंगल होने का फायदा पुलिस की दबिश के दौरान भी मिलता है। आरोपी फायदा उठाकर घने जंगलों में भाग जाते हैं। भानपुरा में चांचौड़ा SDOP दिव्य राजावत और साकोन्या में राघोगढ़ SDOP GD शर्मा के नेतृत्व में टीम ने एक साथ छापा मारा। पुलिस को देखते ही आरोपी भाग निकले। सर्चिंग के दौरान जमीन के अंदर शराब के ड्रम मिले। यहाँ कच्चे झोपड़ी नुमा घर बने हुए थे। पास में पानी का पक्का टैंक बना हुआ था। पुलिस ने खुदाई शुरू की तो एक के बाद एक ड्रम जमीन के नीचे निकलते गए। ड्रम के हिसाब से जमीन में गड्ढे खोदे हुए थे। हर गड्ढे की गहराई लगभग 6 से 7 फीट थी। इनकी चौड़ाई भी ड्रम के हिसाब से होती है। 3 फीट चौड़े ड्रम के लिए लगभग 4 फीट चौड़ा गड्ढा खोदा जाता है। इसी तरह 5 फीट चौड़ाई के ड्रम के लिए लगभग 6 फीट का गड्ढा बनाया जाता है। उसमें ड्रम रखकर ऊपर से मिट्टी डालकर बंद कर देते हैं। ऐसे में ऊपर से ड्रम नहीं दिखता। 5 सितंबर को भानपुरा गांव में पुलिस और आबकारी विभाग के कंजरों के डेरे पर दबिश दी थी। टीम जैसे ही गांव पहुंची और डेरे के पास नाले किनारे कच्ची शराब उतार रहे लोगों की घेराबंदी की तो भट्टियों के पास मौजूद 10 से 15 लोगों ने लहान से भरी टंकियों और शराब को फैला दिया। वहीं पास में रखे फरसार, लुहांगी और हथियार उठाकर पुलिस से गाली गलौज करने लगे। पुलिस ने उन्हें पकड़ना चाहा तो 1 दर्जन लोगों ने टीम पर हमला कर दिया। इसमें कुछ पुलिसकर्मी को चोटें भी आईं। पुलिस ने हमलावरों का पीछा किया। इस दौरान कंजरों ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी थी। इसके बाद सभी बदमाश खेत, नाले और जंगल का फायदा उठाकर वहां से भाग निकले थे। पुलिस टीम पर हमला करने वाले बदमाशों के विरुद्ध हत्या का प्रयास, बलवा सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।